Assalamu alaikum, my dear and lovely students of nursery class. How are you? I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Balwal. It's your lecture number 5, Alphabets. हम alphabets पढ़ रहे हैं. अब तक हमने 5 lectures पढ़ लिए, ठीक है? उन 5 lectures में हमने 5 letters पढ़े, capital B and small b. A, B, C, D and E. हमने 5 letters E तक पढ़े भी और हमने write भी किए. जो आज का हमारा lesson है वो हम किससे start करेंगे? Story से. और आज की हमारी story बहुत interesting है. आपको सुन के बहुत मजा आने वाला है nursery class. आपको तो story सुनना बहुत पसंद है ना? आज की जो स्टोरी है ये भी टू फ्रेंड्स की है, एफ ओ फिश और एफ ओ फ्लाई. फिश आपको पता है ना, पानी में रहती है, ठीक है, हम खाते भी हैं. और एफ ओ फ्लाई मक्खी, ठीक है, मक्खी जो होती है उड़ने वाली. फ्लाई जो है वो उड़ती है, बहुत तेज होती है. ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स होते हैं. लेकिन जो एफ ओ फ्लाई है ना, उससे तो बहुत गुरूर होता है खुद पे. वो कहती है कि मैं तो बहुत तेज उड़ती हूँ और मैं तो हवा में रहती हूँ. वो हमेशा फिश को ऐसे ही कहती है. एक दिन फिश कहती है कि चलो हम मुकाबला करते हैं, ठीक है. उन दोनों के दरमियान में मुकाबला होता है कि जो पहले एफ ओ फ्लैग तक पहुँचेगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा, वो ये रेस जीत जाएगा. और जो पहले पहुंच जाएगा फ्लैग तक उसको क्या मिलेगा? एफ ओ फ्लावर. जो पहले फ्लैग तक पहुंचेगा उसे तो एफ ओ फ्लावर मिलेगा. जो एफ ओ फ्लाई है उससे वैसे ही बहुत गुरूर होता है कि मैं बहुत तेज हूँ. उसे तो यकीन होता है कि ये रेस तो मैं ही जीतूंगी. लेकिन एफ ओ फिश बहुत स्लो चलती है. एफ ओ फ्लाई जल्दी से तेजी से उड़ती है और वो जाके वो आधा रास्ता जो है वो 2 मिनट में जो है वो तय कर लेती है. आधा सफर वो जाके एक दरख्त पे बैठ जाती है. वो सोचती है कि अभी तो एफ ओ फिश बहुत पीछे है, क्यों ना मैं थोड़ी देर सो लूं. वो सो जाती है. लेकिन फिश जो है वो अपनी मेहनत जारी रखती है. वो चलती आती है स्लो 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 और एफ ओ फिश एफ ओ फ्लैग तक पहले पहुंच जाती है. जैसे ही एफ ओ फ्लाई की आंख खुलती है वो जल्दी से उड़ के जाती है. वो देखती है एफ ओ फिश तो एफ ओ फ्लैग के पास मौजूद होती है. एफ ओ फिश को एफ ओ फ्लावर मिल जाता है, ठीक है, और वो बहुत खुश हो जाती है. फिर उस दिन जो है वो एफ ओ फ्लाई को उस वक्त जो एहसास होता है कि मुझे अपने पे गुरूर नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली और मैं हार गई हूँ. तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने दूसरे फ्रेंड्स अगर हमसे वो थोड़े कम हैं, ठीक है, तो हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए. क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है. सबको अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बनाया है, ठीक है. हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेटर कौन सा है? एफ. आज का हमारा लेटर कौन सा है? एफ. एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लाई, एफ फॉर फ्लावर. अब हम एफ राइट करेंगे कि एफ राइट कैसे करते हैं. यस, एफ हमने कैसे राइट करना है? एफ कैसे राइट होता है? हमने चौक पे जाना है और हमने डाउनवर्ड एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. यस, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की. फिर हमने अगेन चौक पे जाना है और वहां से हमने जो है एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है. टॉप से हमने स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की. फिर हम स्टैंडिंग लाइन के मिडल में आएंगे और यहाँ से हम एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज कैपिटल एफ. कैपिटल ई में क्या था कि यहाँ पे भी एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ होती है और वो कैपिटल ई होता है. लेकिन एफ में 2 स्लिपिंग लाइंस, अपर वाली साइड, एक टॉप पे स्टैंडिंग लाइन के और एक मिडल में स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और वो क्या होता है? कैपिटल एफ.
नाउ वी राइट स्मॉल एफ। स्मॉल एफ कैसे लिखते हैं? आपने टॉप पे जाना है, फर्स्ट वाली जो लाइन है उससे आपने थोड़ा सा नीचे आके आपने एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है और यहाँ से आपने इसको कर्व बनाना है। ठीक है, आपने कर्व बनाना है और यहाँ पे पेंसिल अपनी स्टॉप कर देनी है। ये एक कर्व बन गया। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके ले आनी है लाइक दिस। ठीक है, ये हमने थर्ड लाइन तक इस तरह ड्रॉ की स्टैंडिंग लाइन। और देन हमने क्या करना है कि स्टैंडिंग लाइन के मिडल में हमने एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये क्या होगा? स्मॉल एफ। तो हमने स्मॉल एफ कैसे राइट किया? हमने यहाँ से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ऊपर वाले साइड पर ड्रॉ की, वहां से हमने एक कर्व बनाया यहाँ तक आके हम रुके, वहां से फिर हमने एक स्टैंडिंग लाइन थर्ड लाइन तक ड्रॉ की, फिर हमने एक स्लिपिंग लाइन उसके सेंटर में ड्रॉ की। ठीक है, ये क्या था हमारा स्मॉल एफ। नाउ एवरीवन टेक आउट योर इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक ओपन करें। हमारा लेटर क्या है आज का? एफ। एफ दिस इज कैपिटल एफ एंड दिस वन इज स्मॉल एफ। दिस वन इज कैपिटल एफ एंड दिस वन इज स्मॉल एफ। द साउंड ऑफ एफ इज फ। F for flag. आप सब मेरे साथ पढ़ें। F for flag. अब हम अपनी नोटबुक की तरफ जाएंगे। सब बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक खोलेंगे। सबसे पहले आपने डे राइट करना है विद द हेल्प ऑफ योर मदर, एंड राइट द डेट विद द हेल्प ऑफ योर मदर, टिक द होमवर्क एंड राइट द टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है आज का? एफ। अब हम एफ राइट करेंगे। मार्जिन लाइन से थोड़े गैप पे आपने एक टॉप पे आपने जाना है और टॉप से आपने डाउनवर्ड एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ठीक है, थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन की। फिर हमने क्या करना है कि स्टैंडिंग लाइन के टॉप पे जाके हमने वहां से एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की यस लाइक दिस। हमने टॉप पे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की, फिर हमने स्टैंडिंग लाइन के मिडल में आने, मिडल में आके हमने यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की। दिस इज कैपिटल एफ। कैपिटल एफ। नाउ वी राइट स्मॉल एफ। स्मॉल एफ कैसे लिखना है? हमने फर्स्ट वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे आके हमने एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है, वहां से हमने एक कर्व ड्रॉ किया, फिर हम उस कर्व से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके लाए। ठीक है, फिर हमने उसके सेंटर में एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की। दिस इज स्मॉल एफ। कैपिटल एफ कैसे राइट करना है? स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है डाउनवर्ड, फिर आपने स्टैंडिंग लाइन के टॉप से आपने एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन के मिडल से आपने एक स्लिपिंग लाइन, टॉप से आपने एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने स्टैंडिंग लाइन के मिडल से एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। स्मॉल एफ कैसे राइट करना है? ये जो फर्स्ट वाली लाइन है उसे थोड़ा सा आपने नीचे आना है और आपने एक स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल छोटी सी ड्रॉ करनी है, फिर आपने वहां से एक कर्व ड्रॉ की, यहाँ पे आप रुके, फिर वहां से आपने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की और उसके सेंटर में आपने स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की। वो ये क्या है? स्मॉल एफ। अब हम अगेन एक दफा कैपिटल एफ और स्मॉल एफ राइट करेंगे। वी ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट वी राइट स्लिपिंग लाइन एट द टॉप ऑफ द स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वी राइट अनदर स्लिपिंग लाइन एट द मिडल ऑफ द स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, ये इसका मिडल है लाइन का, ये इसका एंड है, ये इसका टॉप है। इसके मिडल से हमने एक स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की, इसके हमने टॉप से टू स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की। दिस इज कैपिटल एफ। नेक्स्ट अगेन से हम एक स्मॉल एफ लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन इस तरह ऊपर तरफ आपने थोड़ी सी ड्रॉ करनी है, बिल्कुल छोटी सी, फिर आपने यहाँ से कर्व ड्रॉ करना है और नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसके
जो है सेंटर में वो आपने क्या कर देना है, स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे स्मॉल एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इस पूरे पेज पे आपने कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ की प्रैक्टिस करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज वाला काम नोटबुक पे राइट करने के साथ साथ आपने मस्ट रफ रजिस्टर पे भी प्रैक्टिस करनी है। जितने लेटर्स हमारे अब तक हो चुके हैं, हम आपने उनकी रफ रजिस्टर पे मस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमने जो आज की स्टोरी सुनी थी उसमें हमने क्या सीखा था कि हमें खुद पे गरूर नहीं करना चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज़।